नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र देशमुख आपके अपने चैनल कांडी मानस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हम फिर से एक बार तवलेश्वर पर्वत पर जाएंगे जब हरियाली होगी, और आप पीछे देखोगे पूरी हरियाली हो चुकी है। कैमरा से आप इस चीज को एकदम सही से जज नहीं कर सकते हो, लेकिन एकदम सुंदर सा ऐसा कुछ माहौल हो गया है। और आज हम इसी पहाड़ को फिर से ट्रैक करने वाले हैं, लेकिन इस बार हरियाली है तो हमें बहुत कुछ नया और अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। और पिछली बार हमें पानी भी नहीं मिला था, इस बार हमें पानी सब कुछ चीजें मिलेगी। आप इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे जो तालाब था वो भी भर चुका है, और ऊपर की साइड पे भी पूरी तरह से हरियाली हो गई है। तो चलो अभी इस ट्रैक को पूरा करते। दोस्तों, ट्रैक की शुरुआत में ही गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और इस ट्रैक को स्टार्ट करते। दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि यार पिछले बार इसने बहुत कुछ दिखा दिया है तो इस बार क्या दिखाएगा, मुझे भी यही सवाल आ रहा था। लेकिन आप देखोगे ये ग्रीनरी, और इससे साइड में आप मुड़ के देखोगे तो ये सुंदर सा व्यू, क्या कह सकते हो इस व्यू को देख के। और ये कोयल की चहचहाट, मतलब कोयल है या दूसरा पंछी है वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक साउंड चेक करो। सब दुनिया से दूर, गाड़ी घोड़ा सबके आवाज से दूर, इस शांति में आना ना एक अलग ही फील है। देखोगे क्लास है कि नहीं। दोस्तों, जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनमें से जिन्होंने भी हमारा पुराना वीडियो जो तवलेश्वर पर्वत पर हम आए थे वो अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी सी बात है, और नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ऊपर आने के बाद पानी पीने की कितनी समस्या हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अब देखोगे ये जो पत्ता है ये यहाँ से तोड़ लो, मैंने तो एक तोड़ लिया है। और यहाँ से आके ये जो माउंटेन है यहाँ से एक झरना बह रहा है छोटा सा, उसमें से जाके पानी पी लो। और हाँ दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि पानी कैसे भरना है, तो ये देखो ऐसा कुछ बनाना है और पी जाओ। दोस्तों, जो विराट कोहली पानी पीता है ना इतना महंगा, उससे तो लाख गुना अच्छा पानी होगा, बहुत ज्यादा मीठा से, क्या ही बताओ। जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे आके मिलता है ना वो तो अलग ही है, और ये जो पानी खतरनाक सी फील। दोस्तों, अभी पानी वगैरह पी लिया है और आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, जो मूवीज में आप देखते हो फूल वगैरह, उनसे तो लाख गुना अच्छे फूल, सुंदर। और इसमें हमें जो हमारा रान मेवा है वो तो आपको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो को जरूर से आखिर तक देखना क्या मिलेगा हमें खाने के लिए। दोस्तों, जिस चीज के बारे में मैंने आपको कहा था कि रान मेवा, तो ये देखिए दोस्तों, ये है, इसको हमारे यहाँ पे मेका बोलते है, आपके यहाँ पे क्या बोलते है वो कमेंट में जरूर से बता देना। और इस तरह का कुछ ये बेल होती है, उसी पे ये लगता है, और खाने में इतना मीठा होता है, जब सावन महीना होता है ना उसी के आसपास में ये लगता है। ये देखो दोस्तों, मैंने कुछ ही समय में इतने कुछ जमा कर लिए और इसको अभी मैं आराम से खाऊंगा। तो हाँ दोस्तों, एक चीज आपको बतानी थी कि जब आप इस बेल से इसे तोड़ते हो तो इस बेल को ना उखाड़ो मत, सिर्फ आपको जितना चाहिए ना उतना ले लो। एक तो उसको अभी फूल लगे और भी मेक लगेंगे तो फिर लोग और खाएंगे, अपना भी विचार करो लेकिन दूसरों का भी थोड़ा बहुत तो करो। दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने रान मेवा तो खाया, और एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि जहाँ से पानी का एक फ्लो आता है और इसी को हम पी सकते हैं, एकदम बहता हुआ पानी, मतलब फ्रेश पानी। और हाँ, अभी रान मेवा से तो हमारा पेट भरेगा नहीं, तो हमने पेट भरने के लिए एक और चीज लाई थी, ये देखो पत्ता गाउटी स्टाइल में, और उसके साथ प्याज, मतलब सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम। और ऐसी जगह पे बैठे, मतलब यहाँ पे जरा बैठने लायक जगह है, और यहाँ पे हम भत्ता खाने के बाद पानी भी पी सकते हैं। तो यही कुछ प्लान था, और इस व्यू में हम भत्ता खाएंगे तो कैसा ही लगेगा आप समझ सकते हो। दोस्तों, हमने जो भी भत्ता वगैरह लाया था वो तो हमने इस व्यू में बैठ के खा लिया, लेकिन हमने जिसमें लाया था, मतलब ये पॉलिथीन का बैग, उसमें एक कागज है, तो ये जो चीजें है ना ये हमें जरूर से हमें साथ में लेके जानी है। जो हमारे पहाड़ है इनको बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है, इसलिए हम वो जो पॉलिथीन है ये हमारी जेब में डाल के अभी लेके जाएंगे, और इसको कहीं पे सेफ जगह पे डालेंगे। और हाँ, अभी इसके साइड में बैठने का फायदा आप देखोगे, हम यहाँ पे ऐसे बैठ के भी पानी पी सकते हैं। इस चीज का एक अलग ही मजा है। दोस्तों, अभी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, मतलब शेर, चीता, भालू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर है चूल कि नहीं, हमें इसे एक्सप्लोर करना है, तो अभी इसे एक्सप्लोर कर दे, भले हमें कोई वाइल्ड क्रिएचर दिखे तो भी चलेगा, लेकिन एक्सप्लोर करना इम्पोर्टेंट है। और जब हम इसे एक्सप्लोर कंप्लीट कर लेंगे ना, तभी जो हमारे अंदर की चूल है वो जरा कम पड़ेगी।
ये है हमारी धरती के सबसे अच्छे इंजीनियर। अभी की जो जनरेशन है उनका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये छोटे से जीव इतना अच्छा कुछ घर वगैरह बना देते। अभी इनको हम दिक्कत नहीं देंगे और हमारा ट्रैक जारी रखेंगे। दोस्तों अभी हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, आप देखोगे सामने वाले पहाड़ को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिखानी थी, जो हम उड़द की दाल खाते हैं, जो उसके पौधे होते हैं, वो इतनी ऊंचाई पर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कैसे आए क्या है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इधर है। और जो हम रान में और ढूंढ रहे हैं वही नहीं मिल रहा, बाकी तो बहुत सारी चीजें मिल रही है। दोस्तों एक छोटे से झरने के पास आया था, और आप यहाँ पे एक बार आवाज सुनो। कुछ आवाज सुनाई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस वजह से आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है। पहाड़ पे आने के बाद हमें ऐसे ही कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, तो चलो अभी इसको और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ऐसी जगह पे आ चुका हूँ कि जहाँ पे हम एक आध मूवी की शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भागोगे ना तो सीधा नीचे जाओगे। अभी आपको कैमरा से जज नहीं होगा कि हम कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन आप पीछे की साइड देखोगे यहाँ से मैं आया हूँ, और आगे जैसे जैसे जाता हूँ वैसे वैसे मेरे पीछे एक रास्ता बनते जा रहा है। ये देखो अभी ये थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा, और इसको जो गाय वगैरह है आप उस साइड देखोगे थोड़ी बहुत गाय वगैरह आपको दिखाई पड़ेगी, वो जो है वो इधर आके थोड़ी दिन में खा जाएंगे। अभी जो गाय चराने वाले लोग हैं उनका फिक्स होता है कि आज उधर चराएंगे आज इधर चराएंगे, तो अभी थोड़े दिन बाद वो इधर भी चराने आ जाएंगे। और ये जो घास है इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं सुकड़ा, ये जो हमारे कपड़ों में घुस जाते हैं ना तो फिर फंस जाते हैं, और बार बार हमें टुचुक 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 करते, तो इसीलिए इसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो हमने रान में वगैरह खाया, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई, लेकिन ये चेक करो हमारी जो तुलजा भवानी माता है, जो धवलेश्वर पर्वत पर विराजमान है वो यहाँ पे। और आपको एक चीज पता ही होगी कि सामने जो ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा सप्तशृंगी पर्वत, वहां पे सप्तशृंगी माता है, यहाँ पे तुलजा भवानी माता है। तो हर एक पहाड़ पे एक अलग अलग देवी देवता विराजमान है, तो हम इनसे हमारी जो अगली जो जर्नी होने वाली है उसके लिए आशीर्वाद लेते हैं, और देवी माँ का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहेगा ऐसी दुआ करते हैं। और आप सब भी हमारे माध्यम से अगर देवी माँ का आशीर्वाद ले सकते हो तो जरूर से लेना, और कमेंट में एक गुलाबी दिल जरूर से छोड़ देना, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो जरूर से पूरी हो जाएगी। दोस्तों देवी माँ का आशीर्वाद वगैरह तो ले लिया है, अभी नीचे के लिए निकलते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो पहले थोड़ा सा हाथ मुंह धो लेते हैं। दोस्तों ऐसी जगह पे हाथ मुंह धोने के बाद ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। दोस्तों एक सुंदर सी चीज आपको दिखाता हूँ, ये देखोगे तो यहाँ पे जो गाय भैंसे वगैरह चराने लोग आते हैं उन्होंने खोद के थोड़ी सी जगह बना के रखी है, जिससे कि उनको पानी पीने में आसानी होगी। और हाँ मैंने अभी इधर थोड़ा हाथ मुंह धो लिया है, मतलब कैसा थोड़ा गर्मी से राहत मिल गई है। और जब हम पिछली बार आए थे उस टाइम पे पूरी गर्मी थी, और आपको मैंने ये जगह भी दिखाई थी लेकिन उसमें उस समय पानी नहीं था। पिछली बार जो हमारे ऊपर पानी का संकट था वो इस बार नहीं है।